उमरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की प्रथम मंडल कार्य समिति बैठक स्थानीय सामुदायिक भवन में बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह एवं भाजपा जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में आयोजित किया गया। बैठक में विविध सत्रों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया गया। संगठन की आगामी कार्य योजना तय की गई। कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कार्यकर्ता को संगठन विस्तार से बात समझाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने समस्त कार्यकर्ताओं से अधिक प्रवास कर कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए व्यवहार में मधुरता रखने की बात कही। बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह समस्त कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते भाजपा की पताका को हर घर तक पहुंचाने की बात कही। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी, दीपक छतवानी, राजेंद्र कोल आदि कार्यकर्ता ने अपनी बात रखी। अंत में कोरोना काल में दिवंगत हुई आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से धनुषधारी सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, कैलाश द्विवेदी, आशीष राय, सुधा देवी, आभा निगम आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा के वरिष्ठ जनों का सम्मान अभिनंदन किया गया साल श्री फल द्वारा, और हमारे बीच जो कोरोना काल में हमारे परिवार से जो बिछड़ गए, जो जुदा हो गए, उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम लोगों ने दोनों के लिए मौन धारण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा आज मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई थी सामुदायिक भवन में, उसमें क्या निर्णय हुए और क्या क्या अपन ने कार्य रूपरेखा रखी? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार और भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन के मार्गदर्शन में आज नगर भाजपा मंडल उमरिया के हमारे अध्यक्ष राजेंद्र कोल, नीरज चंदानी, आशीष राय, सुनील खटिक, विक्रम सिंह, राहुल गौतम, इन सब की, राकेश बर्वन, मनीष सिंह, इन सब की संयुक्त टीम ने मिलकर नगर मंडल की कार्य समिति की बैठक आयोजित की। ये बैठक लगभग 4 घंटे चली। इस बैठक में हमारे बांधवगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री शिवनारायण सिंह जी, जिले के अध्यक्ष दिलीप पांडे जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश त्रिपाठी जी, मैं स्वयं, साथ में जिला संगठन के हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, मंडलों के हमारे मंडल के सभी नगर पदाधिकारीगण और पूरी कार्य समिति, लगभग 150 कार्यकर्ता आज स्थानीय सामुदायिक भवन उपस्थित थे। सर्वप्रथम नगर भाजपा ने उमरिया नगर के सभी वरिष्ठ जन, जिन्होंने 1980 से लेकर पार्टी की स्थापना से लेकर जनसंघ से लेकर आज तक जिन्होंने पार्टी को इतना ऊपर बढ़ाया, उन सबका आज साल श्री फल से नगर भाजपा के पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। उसके पश्चात हमारे माननीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष द्वय, सभी ने अपना मार्गदर्शन देकर पार्टी को आगे बढ़ाने में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए, इस सब पर विस्तृत रूप से अपना प्रकाश डाला।